कोर्ट वालों डीएसजीएमसी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा उत्ते एफ आई आर करन दे ऑर्डर किए गए हैं वो संबंध में है। बहुत ही कई बार दिल दुखद है इस गल नूं वेख के कि जो दुरवरतों गुरद्वारे की गोलक की हो रही है वो म्यार कितना डिग चुके है। जदों कोई भी श्रद्धालु गुरद्वारे जाके गोलक में पैसे पाँदा है तो वो इस भावना नाल पाँदा है कि मेरे दिते गए मेरे वालों पाए गए गुरु नूं भेंट किए गए गोलक के पैसे किसी चंगे काम च लगणगे। जो गुरु का लंगर है शायद उत्थे वरते जाणगे, नहीं तो जो गुरद्वारिया डीएसजीएमसी के अंडर स्कूल चल रहे हैं उन्होंने यदि वरतों होएगी या जो अस्पताल चल रहे हैं उन्होंने यदि वरतों होएगी। पर जो यदा मिसयूज़ पिछले कुछ सालों तो आप लगातार वेखते आ रहे हैं वह एक जिंदा जागता प्रमाण परसों का राउज रवेन्यू कोर्ट के ऑर्डर है ने जिदे साफ तौर पर लिखे है कि किस तरीके लखा रुपए का करोड़ों रुपए का मिसयूज़ दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा जी वालों किया गया। इस गल के जिम्मेवार इस गल के दोषी तो चलो प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा है ही ने, पर इस चीज़ के जिम्मेवार मैं लगता आप सारी सिख संगत है जो मैंबर को चुनते वेले इस चीज़ का ध्यान नहीं देंगे भी इन्हों का किरदार की है। जिन्हों के उत्ते आप सुने सरेआम लोग कहते हैं भी जिन्हों का जमीनों के कब्जे करने का कारोबार रहा है जिन्हों के परिवार के लोगों को सजावं हुई ने जमीनों के कब्जे करने के मामले च एवें दे लोगों जो आप गुरुद्वारों की सेवा संभाल देंगे तो वह नतीजे आप साफ वेख सकते हैं। साफ तौर पर ना लैके एक एक बिल की डिटेल दे के आज मैनशन किया गया कि किस तरीके गुरद्वरे में है घोटाले किए गए हैं। लखा रुपए के बिल लाए गए हैं जिद्द कोई वैट नंबर नहीं कोई GST नंबर नहीं किसी के साइन नहीं तो लखा रुपए की पेमेंट प्रधान जी की प्रवानगी वेंडरस को की गई है। हूँ इस ऑर्डर आने तो बाद एफ आई आर भी हो ही जाएगी, सानू कोई हैरानी नहीं इस गल की क्योंकि आप बहुत टाइम तो यह सारी चीज़ा वेखते सी। हूँ चंगा यह होया कि यह चीज़ा कागजा से उतरनी शुरू हो गई सबूतों के नाल कोर्ट के ऑर्डर के नाल लोगों के सामने आनी शुरू हो गई। मैंने तो ता हैरानी हुई सी पहली बार जदों मैं गुरद्वारा कमेटी के इलैक्शन शराबा वंडदी वेखी जदों पैसे वंडदे वेखे। आपां तीसरी वारी स्टेट विच इलैक्शन लड़ लिया सानू अज तक एक बोतल शराब की किसी को देने की लोड़ नहीं पई, एक रुपया किसी को देने की लोड़ नहीं पई। आपां ईमानदारी नाल काम करते हैं, दिल्ली के लोग ईमानदारी नाल सानू सपोर्ट करते हैं। पर जो शख्स गुरद्वारे की सेवा का चोण लड़ रहा है तो पैसे तो शराबा तो मीट मुर्गे वाली पार्टियां करके लोगों को कह रहा है भी मैं वोट दो तो संगत इस चीज़ को समझ लवे वो सेवा करन नहीं आ रहा वो इदां दे घोटाले कर नहीं आ रहा। फिर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलैक्शन आने वाले ने, अजकल वोटां भी बढ़ रही ने। आप भी वेख्या भी पिछले कुछ सालों तो जो 2017 की गल ही करिए बहुत थोड़ी जी वोटां करके ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का फैसला हो जाता है। तो संगत को यह चाहिए कि सब तो पहले तो अपनी वोट जरूर बनवाण, उस तो बाद वोट पोल जरूर करन ते किनू पोल कर रहे हैं इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाए ताकि चंगे किरदार वाले लोग आके दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की सेवा संभालन ते जो साढ़े गुरु घर ने उन्हां दी चंगी सेवा संभाल होवे गोलक की चंगी वरतों होवे। जड़े स्कूल बंद होने की कगार पर आ गए हैं, टीचर्स आए दिन धरने पर बैठे रहते हैं, अस्पताल की बिल्डिंगा खंडर हो गई ने, यह सारी चीज़ों पर कमेटी काम कर सके। पिछले 8 सालों में कमेटी जवाब दे कि जो साडे रिवायती गुरु साहब के प्रोग्राम ने बई लंगर की प्रथा हैगी, कीर्तन दरबार की प्रथा, नगर कीर्तन की प्रथा सालों तो चलती आ रही है। इस तो अलावा कोई एक चंगा काम जो टाइम की लोड़ है इस कमेटी वालों किया गया हो। इस तो पहला भी प्रधान साहब करप्शन के उन्होंने भी चार्ज लगे से, उन्होंने भी इस्तीफा दिता सी। हुण एक जिम्मेवारी सब तो वड्डी इस अकाली दल बादल दे जो प्रधान ने सुखबीर सिंह बादल उन्हां दी बनती है। जे जरा जी भी इन्हां विच गैरत या गुरु घर के प्रति श्रद्धा बची है तो मनजिंदर सिंह सिरसा तुरंत इमीजिएटली सारी जिम्मेवारियां तो फ्री करन ते उन्होंने पार्टी तो बर्खास्त करन। वो कहिंदे ने जी मैं पार्टी का सब तो वड्डे लीडरां विच एक लीडर हैगा, तो जे पार्टी के लीडर क्योंकि कुछ खास आस सुखबीर सिंह बादल जी तो भी नहीं हैगी क्योंकि इस तो कई गुणे वड्डे रिकॉर्ड गुरु घर के बेअदबियां दे भावें गुरु साहब की बेअदबी करी कहीए भावें जो गुरु साहब के सरूप उत्थे लापता हुए ने इदां दे काम कहीए रोज़ SGPC दे प्रबंध उपर भी सवाल खड़े होंदे ने, कोई खास उन्हां तो भी नहीं है। पर जे उन्हां नूं थोड़ा बहुत श्रद्धा बची है गुरु घर के प्रति
ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ